ओके okay. आज हम देखेंगे इसके अंदर कि किस तरह से हम रिपोर्ट्स बना सकते हैं और डेटा का प्रिंटआउट ले सकते हैं। टेबल्स होते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, फॉर्म्स होते हैं डेटा को डिस्प्ले करने के लिए या फिर उसको रिकॉर्ड करने के लिए, सेव करने के लिए। तो हम बनाएंगे रिपोर्ट्स, भी बनाओ। तो उसके बाद हम जाएंगे क्लिक करके टेबल पे क्लिक करेंगे जिसकी रिपोर्ट बनानी है, क्रिएट पे क्लिक करेंगे। ननक कहीं बताते आहिस्ता आहिस्ता डिसी करना क्यों ना हल्के। क्रिएट क्रिएट पे वनी कदासी पाण रिपोर्ट जी रिपोर्ट पे क्लिक कदासी ही रिपोर्ट पाण छड़ दो। लेकिन हमें इस पे डिफरेंट किस्म की रिपोर्ट्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो रिपोर्ट बनी है, ये जो रिपोर्ट बनी है तमाम स्टूडेंट्स की हॉरिजॉन्टली, ठीक है, इसको हम रख लेते हैं सेव ऑल स्टूडेंट्स रिपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं। अब एक रिपोर्ट हम खुद से जनरेट करेंगे, तो यहाँ क्लिक करेंगे क्रिएट, क्रिएट पे क्लिक करके हम यहाँ से करेंगे ब्लैंक रिपोर्ट। अब जो ब्लैंक रिपोर्ट होगी वो बिल्कुल खाली होगी और उसके अंदर कोई डेटा नजर नहीं आ रहा होगा। यहाँ से आप क्लिक करेंगे शो टेबल्स के ऊपर, और जैसे ही शो टेबल्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि आपने यहाँ पे किस तरह से डेटा को पुट करना है। अगर आप इस पूरे टेबल को उठा के यहाँ पे रखेंगे तो वो भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम इसको टेबल को उठाएं लेकिन ये नहीं आ रहा, तो वो एक एक करके एक फील्ड को उठा के भी आप रख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या होगा कि सारा डेटा एक साथ आ रहा है। अच्छा, फिर एक और मेथड है इसके अंदर ब्लैंक के हिसाब से, अगर क्रिएट करें और यहाँ से क्लिक करें रिपोर्ट विजर्ड के ऊपर, और विजर्ड पे क्लिक करके ये रिपोर्ट्स की सारी फील्ड्स हम यहाँ से ले लें, ठीक है। तो ये सारी फील्ड्स हम ले लेंगे इसमें से, और यहाँ पे हम करेंगे सेलेक्ट ऑल। यहाँ से कुछ फील्ड्स को वापस करना पड़ेगा इमेज से रिलेटेड, URL, इमेज टाइप, टाइप स्टैम्प, फाइल नेम, फ्लैग, डेटा, नेक्स्ट। यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पर जाके हम इस रिपोर्ट को बनाएंगे कॉलमर पोर्ट्रेट पे बनाएंगे और इसको करेंगे नेक्स्ट, एंड देन करेंगे स्टूडेंट वर्टिकल रिपोर्ट या फॉर्म, ठीक है। ये देखिए बकायदा एक फॉर्म क्रिएट होके आ जाएगा आपके सामने, हर एक स्टूडेंट का डेटा एक पेज पर आ रहा होगा। इस पर राइट बटन दबाएंगे और यहाँ से जाके हम क्लिक करेंगे रिपोर्ट लेआउट के ऊपर, जहाँ से हम उसके लेआउट को रीएडजस्ट करेंगे। कैसे करेंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पर जो है हमारा लेआउट सेलेक्ट हो रहा था लेकिन सही तरह नहीं हो पा रहा। अब नहीं हो पा रहा तो हम क्या करेंगे, इसको कोशिश करते हैं कोई दोबारा सेलेक्ट हो जाए। शिफ्ट के साथ सारा सेलेक्ट करेंगे एक दफ़ा, वेट मुश्किल हो जाएगा ये। इसको ले जाते हैं डिज़ाइन व्यू के अंदर और यहाँ से जाके हम इसको ईजीली सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, अरेंजेस में जाएंगे, रिपोर्ट डिजाइन में जाएंगे, अरेंजेस फॉर्मेट पेज सेटअप, यहीं से राइट बटन दबा के चले जाएंगे लेआउट के अंदर, ये लेआउट व्यू के अंदर, और फिर से इसको कोशिश करेंगे सेलेक्ट करने की। अब यहाँ पर सेलेक्ट करने के ऑप्शन तो आ रहे हैं लेकिन पूरा डेटा सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो करें शिफ्ट के साथ सेलेक्ट इनको सबको। ये भी एक इशू है कि अगर गलत क्लिक हो रहा है तो वो वहां से हट जाता है। इसको करेंगे अब जाके स्टैक, ये टेबल में कन्वर्ट हो गया, ठीक। अब अरेंज करना आसान है, यहाँ से इसका फॉन्ट साइज सेट करेंगे, यहाँ से हम इसका फॉन्ट सेट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जाके हमने इसको इस तरह से एडजस्ट कर देंगे। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इसको सेव कर लें और इन एंट्रीज को थोड़ा सही कर लें।
ठीक है, एडजस्ट करने के बाद अब आपका डेटा यहाँ आ गया। ये टेबल में आसानी ये होती है कि इसको क्लिक करके फॉर्मेट राइट अलाइन, क्लिक फॉर्मेट राइट अलाइन। यहाँ से इसको स्टैक करेंगे, ये जो टेबल बनाया था इसलिए बनाया था कि इसको अरेंज कर ले। अब जब ये अरेंज हो गया है तो इसको लेके जाते हैं डिजाइन व्यू में, वहाँ पे भी ये टेबल इसी नजर आ रहा है। अब हमें इसमें से ये अलग करना ही है, अलग इसमें से हो नहीं रहा है क्योंकि टेबल में है ना। क्लिक करेंगे यहाँ पे रिपोर्ट डिजाइन में, फॉर्मेट लेआउट पे जाएंगे पहले, फॉर्मेट करेंगे, फॉर्मेट शरीर नहीं आ रहा इसमें। मैं जरा इसको सेव करके दोबारा खोलता हूँ बंद ये ऑप्शन यूज करना है रिमूव लेआउट, इससे टेबल से दोबारा से ये अलग अलग शेप्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके बाद ये अलग अलग जब हो जाएंगे तो अब आप इसका ये वाला हिस्सा इसको डिलीट कर दें। डिलीट करने के लिए आप कीबोर्ड से डिलीट का बटन यूज करें। और इस इमेज वाले हिस्से को अरेंज कर लें इस तरीके। इसके बाद इस इमेज वाले हिस्से को यहाँ सेट करने के पहले थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं, ये हिस्सा हमारा काफी बड़ा है ये वाला। अब इन सबको दोबारा से सेलेक्ट करके दोबारा स्टैक कर देते हैं, टेबल फॉर्मेट में आ जाएगा। यहाँ से बीच से पूरे कॉलम को सेलेक्ट करते हैं। लेआउट में ले जाते हैं इसको, ठीक है ये निकल आया यहाँ पे स्पेस को, इसको डिजाइन व्यू में ले जाते हैं। से जाके हेडर सेक्शन में थोड़ी जगह निकालते हैं, और जैसे हमने एडमिशन फॉर्म में यूज किया था, बस एडमिशन फॉर्म लिखा था, इसमें स्कूल कॉलेज नेम नहीं लिखा था। एक स्टैंडर्ड हेडर बनाना पड़ेगा हमें जिसमें हम इसका स्कूल कॉलेज नेम वगैरह लिख सकें। यहाँ पे लिख लेंगे हम, क्योंकि हम यूजर को प्रिंट करके देंगे ना। तो कॉपी कर ले कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर ले, क्लिक करें यहाँ पर। सेलेक्ट
कट कर ले इसके स्कूल कॉलेज टाइम को। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, सेव कर दे इसको। इमेज को सेट कर दे यहाँ पे। अब इसका रिपोर्ट व्यू देखें, ये देखें स्टूडेंट का डेटा, दूसरे स्टूडेंट का डेटा, तीसरे का डेटा, चौथे का, सारा डेटा सीधा आ रहा है। डिजाइन व्यू में ले जाएं इसको, दोबारा से नीचे आ जाए, यहाँ पे क्लिक करें और इसका प्रिंट प्रीव्यू देखें, प्रिंट कैसा निकलेगा। नीचे स्पेस रहेगा, राइट बटन दबाएंगे, डिजाइन व्यू में जाएंगे, ये हमारा आ गया फूटर सेक्शन, यहाँ से इसको नीचे लेकर आएंगे। अच्छा, इससे पहले एक बात और दिखा दूँ, रिपोर्ट व्यू में जब आप रिपोर्ट व्यू देख रहे हैं तो ये एडमिशन फॉर्म इस पे लिखा रहा है, दूसरे स्टूडेंट पे नहीं आ रहा। इसकी वजह क्या है, एक होता है रिपोर्ट का हेडर, एक होता है पेज हेडर। रिपोर्ट हेडर अगर 10 पेज की रिपोर्ट है तो वो पहले पेज पर आएगा, हर पेज पे नहीं आएगा, और पेज हेडर हर पेज के हेडर पे आएगा। यहां से करेंगे कंट्रोल एक्स, यहां से करेंगे स्पेस लेंगे, इधर देख क्लिक करेंगे, यहां पे कंट्रोल वी करेंगे, और यहां से इसको सेव करेंगे, रिपोर्ट व्यू पे जाएंगे। अभी भी पहले पर ही आ रहा है, प्रिंट प्रीव्यू में देखें, पहले फॉर्म पर आ रहा है। दूसरे फॉर्म पे भी प्रिंट हो रहा है, तीसरे फॉर्म पे भी प्रिंट हो रहा है, सही है। सिमिलरली पेज फूटर जो होगा वो तमाम पेजेस पे रिपीट होगा, और रिपोर्ट फूटर जो होगा वो अगर 10 पेज की रिपोर्ट है तो 10वें पेज पे प्रिंट होगा। ठीक है, ये दर जो भी डेटा तो रखेंगे। अब यहाँ से जाएंगे, रिपोर्ट डिजाइन में जा रहे हैं, यहाँ से कंट्रोल्स पे क्लिक कर रहे हैं, ये वाला कंट्रोल लेंगे। अब जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो आप यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, और जो भी नीचे टाइप करने हैं हमें वो हम यहाँ नीचे टाइप कर देंगे। रेंट काम कर रहा है, पता नहीं कर रहा, कोई नहीं काम कर रहा। ठीक है, तो वो हमें टर्म्स एंड कंडीशन अपने जो भी बनवाने हैं वो यहाँ पे लिख देंगे। फिर थोड़ा स्पेस लेंगे और यहाँ पे लेंगे हम सेलेक्ट, अलाइन,
लाइन ड्रॉ करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, सेव, रिपोर्ट व्यू करेंगे। सही है, तो ये अब जो भी डेटा आप डालेंगे वो इजीली आप प्रिंट करके भी दे सकेंगे, और प्रिंट करने के लिए यहाँ से कोई प्रिंटर लेके जिस पेज को प्रिंट करना है प्रिंट हो जाएगा। सही, समझ में आ गई? अब इस तरह से अच्छे से रिपोर्ट्स आप क्रिएट करके बताएं।